विद्युत वितरण कर्मचारी संघ द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन और दिया गया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी कर्मचारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि जो अनुकंपा नियुक्ति की विसंगतियों है वो उन्हें दूर किया जाए, साथ ही स्थानांतरण पर भी लगी रोक को हटाया जाए, साथ ही अन्य कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी गुना महाप्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा। रोक लगाई गई है, उनको तुरंत हटाया जावे, जिससे कि छोटे स्तर के कर्मचारियों को पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के अधिकारी स्थानांतरण कर सके। नंबर 3, कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी वचन पत्र में यह दर्शित है कि विद्युत कंपनियों के हमने कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति जो कि विसंगत पूर्ण है उसको सुधार करने के लिए पहला बिंदु रखा है। द्वितीय बिंदु हमारा कर्मचारियों की जो पिछले सरकार द्वारा स्थानांतरण नीति पर रोक लगाई गई थी उस रोक को तुरंत हटाया जाए, इसका इसके स्थानांतरण के लिए हमारे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। अगला बिंदु हमारा संविदा कर्मचारियों को, जैसा कि वर्तमान सरकार ने द्वारा अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम सारे आउटसोर्स संविदा कर्मचारी को नियमित करेंगे, उनको नियमित किया जाए, साथ ही हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो कि ठेके प्रताप में काम कर रहे हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उनको नियमित करने की कार्रवाई की जाए। इन्हीं बिंदुओं को लेकर आए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीमान महाप्रबंधक गुना के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है।